सिंह और मेरे साथ है बॉलीवुड के इश्कजादे, जी हाँ, नन अदर देन परिणीति चोपड़ा एंड अर्जुन कपूर। वेलकम टू गूगल बॉलीवुड। हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, आपकी मूवी आ रही है नमस्ते इंग्लैंड, मैं भी उसमें। जी सर, आपकी मूवी, सर और मैम दोनों की मूवी आ रही है आफ्टर सिक्स। वो सर आपके लिए ज्यादा था, मेरे लिए कम। जी आपकी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, पहले पहले जी 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 दोनों का इतना अच्छा इम्पैक्ट था, उनकी कंपेटिटर कोई जोड़ी नहीं आई अभी तक, और अभी नमस्ते इंग्लैंड, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, मतलब शूट करने का? शूट करने का, देखिए ऑफ कैमरा 6 साल में तो हमारी दोस्ती रही है, वीव बीन इन टच, वीव बीन फ्रेंड्स, लेकिन ऑब्वियसली हम सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे। जब फाइनली नमस्ते इंग्लैंड हम दोनों को अच्छी लगी, द मेन रीजन वी डिसाइडेड टू डू इट इज बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगा ये बतौर एक्टर्स हमारे लिए नया होगा टू डू इट। इट इज नॉट लाइक इशकजादे वॉज, इट इज मोर younger, more fresher, more I feel energetic tha hamare liye to do it in a very fun, light, simple, sweet way. So for us as human beings who had already gone through so much in Ishakzade in an extreme sense, bahut real kahani thi, hame laga ye quintessential Hindi film karne mein thoda aur maza aayega, to bahut acha anubhav tha. परिणीति आपका? सेम, बहुत ही मज़ा आया इस फिल्म को शूट करके, क्योंकि एक लव स्टोरी के लिए एक कोस्टार्स में कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सेट पे कुछ स्ट्रेस ना हो और रोमांटिक सीन्स आसान हो जाते हैं करने, तो वो बहुत मज़ा आया। विपुल सर के साथ बहुत मज़ा आया, हमारा जो क्रू था वो बहुत ही यंग था, बहुत कूल क्रू था, सो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। जी स्टोरी काइंड ऑफ सबको पता है एक तरह से, क्योंकि सर नमस्ते लंदन नमस्ते लंदन की कहानी उनको पता है, तो अज्यूम किया आप नहीं बताओगे मुझे, आप क्या पिक्चर क्यों बना रहे हो? नो सर, नमस्ते लंदन का जैसा इम्पैक्ट रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आप कुछ लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कैसे वे में आ रहे हैं, क्योंकि उनका क्योंकि उनके सॉन्ग्स कभी नॉर्मल वे में आ रहे हैं सर, एक्सप्रेस वे में है, आज हम प्लेन से है बाबा, तो एक्सपेंसिव बड़ी कुछ है इसलिए। तो देखिए नमस्ते लंदन की बात करें तो जिन लोगों को नमस्ते लंदन पसंद आई थी, कहीं ना कहीं उन्हीं का प्यार है कि ये स्क्रिप्ट विपुल सर ने लिखी। नमस्ते लंदन और नमस्ते इंग्लैंड में किरदार अलग है, कैरेक्टर्स अलग है, दुनिया अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, लेकिन एक जो तड़का होता है ना, एक जो फ्लेवर होता है फिल्म का, वो सिमिलर है। तो मैं मानता हूँ कि जिनको नमस्ते लंदन पसंद आई थी उनको नमस्ते इंग्लैंड भी पसंद आएगी, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें आपको याद भी दिलाएंगी और अच्छी वाली याद दिलाएंगी, और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है ना, कुछ अच्छा याद करके तो दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। सर इशकजादे में और मैम इशकजादे, बट सर टेल अस अबाउट इशकजादे, रियली नॉट वर्किंग आउट मैम, मैम वन सेकंड, नो मैंने क्या किया तुम्हारे साथ बोलो, ओके वन सेकंड, तुम्हारा पूरा आंसर दोगे नहीं मैम अभी, आप लगता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन नहीं है, है आपने बाइक चलाई है, ठीक है, इशकजादे में भी सर, एक्टिंग छोड़ो सर, मैम आप दोनों ने बाइक चलाई है और वो स्टैंड अप हो गए, मतलब कि आप लोगों को डर नहीं लगा, एकदम टाइटैनिक पोज दिया आप लोगों ने। मुझे डर इस बात का था कि परिणीति को चोट लगेगी तो शूटिंग रुक जाएगी, तो तुम्हारा टाइम मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे ये नहीं था कि उसे चोट लगेगी तो उसे डर उसे लगेगा, नहीं मेरा टाइम, मेरे डेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आई डोंट वांट टू लूज। आप तो आप हमें मतलब कि आपने बाइक से नहीं डर लगा, आपने तो ट्रक वो ट्रैक्टर को टर्न किया, मैंने बोला अरे देख पंजाब आया हूँ, ट्रैक्टर को मैं व्हीली करा के जाऊंगा, छोड़ो बाइक से डर लगा, ट्रक से डर नहीं लगा, नहीं मुझे परिणीति के डेट्स ना होने से डर लगा, ना मुझे बाइक से ना मुझे ट्रैक्टर से। परिणीति मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैं एक्चुअली इशकजादे के दिनों से इसको पीछे बिठा के बाइक चला रही हूँ, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं था, मैंने ऑलरेडी इशकजादे में सब रिहर्सल कर ली थी, फिर मैंने बोला बाबा जल्दी बैठो मैं बाइक चलाऊंगा, तो टाइटैनिक पोज दे दिया। हाँ फिर बैठने में बोर हो रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा बाबा खड़े हो जाओ,
एक्चुअली सर ने बोला शॉट रेडी तुम खड़े हो गए बाइक के बीच में, हमने बोला कहाँ शॉट रेडी कहाँ शॉट रेडी, उन्होंने शॉट ले लिया, बोला वेरी गुड पैक अप चलो. आपकी डायलॉग की बात करते हैं. आपने बोला है कि लड़कियों का समझ नहीं आता है. नहीं वो इन्होंने बोला है. आपने बोला है कि लड़कियों का समझ नहीं आता और उन्होंने बोला समझना नहीं चाहते. नहीं नहीं ऐसा हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं. ट्रेलर में हमने जो किया था वो बेसिकली कुछ ऐसा था कि मैं कहता यार तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता है, और वो कहती है कि लड़कियों का समझ नहीं आता क्योंकि लड़कियों को समझा नहीं जाता. और जब आप परिणीति को आप मिलने गए हो तो आपने मतलब कि कैसे कैसे रास्तों से गए, वो आपको फील हुआ कि ऐसे पंजाबी लड़के भी जाते हैं? हाँ बिल्कुल. जो परम मेरा कैरेक्टर है जो बाधाएं पार करके इंग्लैंड पहुंचता है, लोग कभी कभी काम के तलाश में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों की तलाश में जाते हैं, बहुत सारे वजह से जाते हैं, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत कठिन है. और असलियत ये भी है कि वो रास्ता सबके लिए नहीं होता, लेकिन मजबूरी होती है लोगों की कि लोगों को वो रास्ता अपनाना पड़ता है, और परम मेरे कैरेक्टर की भी कुछ मजबूरियां होती है कि वो रास्ता लेके जाता है. जी परिणीत मैम, लास्ट नो द लीस्ट, आप इंग्लैंड गई हैं तो पहली बार जिंदगी में कैसा लगा अर्जुन? नो इंग्लैंड गई है एज अ करियर ओरिएंटेड गर्ल, तो उस लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी लड़कियां उस लड़की के बारे में कैरेक्टर करेक्ट. मैं समझती हूँ कि जसमीत एक बहुत ही ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है, एक बहुत ही सिंपल से घर में, और उसके घर में बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं, एंड वो एक सपना देखती है. तो मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट करती हूँ. छोटे टाउन की बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो शायद अपने घरों में, शायद अपनी दुनिया में बहुत ही स्टाइफल्ड फील करती हैं, एंड वो सपने देखती हैं कि वो बाहर जाएं और कुछ बड़ा करें, और वो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छा लगा था. एंड इस फिल्म में ये नई बात ये है कि जो जसमीत का पार्टनर होता है, जो अर्जुन का कैरेक्टर है, वो उसको सपोर्ट करता है, एंड वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं हाँ हमें ये ड्रीम तुम्हारे लिए फुलफिल करनी चाहिए. तो वो एक बहुत ही मॉडर्न थॉट है एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी का. नाउ बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच इतना फन करने के लिए.